नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फन लर्न बाय अनुज में। तो दोस्तों, दोबारा आपके सामने हाजिर हो गए एक बिल्कुल नया टॉपिक और एक फ्रेश टॉपिक के डिस्कस टॉपिक के लिए। एक वीडियो हम बनाते हैं अपना कुछ सीखने के लिए, कुछ नए टॉपिक, कुछ नए शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए, और एक वीडियो हम बनाते हैं उन सवालों के जवाब देने के लिए जो हमारे पास आते हैं या हमसे पूछे जाते हैं। तो आज एक सवाल बहुत बार आया, मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी कि राकेश यादव की मैथ बुक अच्छी है या किरण की बुक को आप प्रीफर कर सकते हैं। तो आज उसी के ऊपर एक सेकंड पार्ट आ रहा है कि लोगों ने हमसे पूछा है कि सर, हमारे पास राकेश यादव की भी बुक है और मैथ्स की भी बुक है, तो हम दोनों की बुक से तैयारी कैसे करें और कैसे हम दोनों बुकों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो राकेश यादव और किरण बुक में से बेस्ट कौन सी अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, राकेश यादव की बुक और किरण बुक दोनों ही डिफरेंट तरह का एक आपको मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अंदर टॉपिक सेम है, आपको उसके अंदर क्वेश्चन सेम मिलेंगे, लेकिन एक जो सोल्व करने का तरीका है वो आपको टोटली डिफरेंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राकेश यादव की बुक और किरण की बुक में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले राकेश यादव की बुक के अंदर आपको जो क्लास नोट्स होते हैं, जो वो क्लास में पढ़ाते हैं, जो ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ाते हैं, उनका एक कलेक्शन है। वो आपको 50 सवाल करवाते हैं, 25 सवाल करवाते हैं, वो जो जो टॉपिक वाइज आपको करवाते हैं वो सारों का कलेक्शन एक राकेश यादव की क्लास नोट्स की बुक के अंदर आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं किरण की बुक का, तो किरण की बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर जो बहुत पुराने 1994, 95, 96 उस तब से एसएससी के अगर जो जो क्वेश्चन से या जो जो एसएससी सवाल पूछ रहा है उन सबका कलेक्शन आपको किरण की बुक के अंदर मिलेगा। लास्ट में हम आपको दोनों बुक्स के अंदर दिखा भी देंगे कि दोनों बुक्स कैसी होती हैं और उनके अंदर क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अब आप सबने तैयारी स्टार्ट कर रखी है, सभी ने अपनी अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं, सभी की तैयारी एक लेवल पे पहुंच चुकी है। अब आपने राकेश यादव बुक भी खरीद ली है और आपके पास किरण की बुक भी है। अब सबसे बड़ा सवाल उठ के आता है कि हम राकेश यादव बुक को पढ़ें या किरण की बुक को पढ़ें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास दो बुक हैं तो आपने एक इधर से करते हो और एक सवाल आप उधर से करते हो, तो आप ना इधर के रहते ना उधर के रहते, इसलिए सभी के मन में एक सवाल आता है। इसलिए आप सबने हमसे पूछा है कि आप हमें ये बताइए कि हम राकेश यादव की बुक से फॉलो करें या किरण की बुक को हम फॉलो करें। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि हमें पढ़ना कैसे है। बुक्स हमारे पास पैरामाउंट मैथ हो गया, केडी कैंपस की मैथ हो जाएगी, आपके पास किरण की बुक हो जाएगी, आपके पास आर एस अग्रवाल हो जाएगी, आपके पास राकेश यादव की भी बुक हो जाएगी, लेकिन उन सबका यूज कैसे करना है, उन सबको पढ़ना कैसे, ये सबसे मेन है। बुक्स तो आप हजारों बुक्स खरीद सकते हो, मार्केट में हजारों बुक है, अभिनव मैथ्स है, बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो आप खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो, क्योंकि आप पैसा तो आप इन्वेस्ट करके बुक्स तो ला सकते हैं, लेकिन आपको कौन सी बुक से कैसे पढ़ना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी बुक से कैसे पढ़ना है ताकि आप सिलेक्शन के और नजदीक चले जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बेसिक्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले आपको बेसिक्स, आपको किसी भी एक बुक से उठा के आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जब आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे उसके बाद आपको फिर इन बुक्स पे स्विच कर लेना है अपने आप को। अब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, आपके बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, अब आपने बुक्स भी परचेज कर ली हैं, राकेश यादव भी आपके पास है, किरण भी आपके पास है, पैरामाउंट भी आपके पास है, आर एस अग्रवाल भी आपके पास है, केडी कैंपस की बुक भी आपने परचेज कर ली है, तो अब आते हैं उस स्टाइल पे जिस स्टाइल से आपको स्टडी करनी है। तो देखिए, अगर आप सबसे पहले, सबसे ज्यादा लोगों ने मुझसे राकेश यादव की बुक्स के बारे में पूछा है, तो मैं सबसे पहले राकेश यादव की ही बुक्स की बात करता हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप राकेश यादव की बुक्स को उठा लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि उसे उठा लिया और उठा के रख दिया, अब हम उसका तरीका बताएंगे कि आपको उसको पढ़ना भी कैसे। सबसे पहले आप राकेश यादव की बुक्स के अंदर जितने भी उन्होंने अपने क्लास नोट्स के अंदर जो जो काम उन्होंने करवाया हुआ है वो सारे का सारा आपको सॉल्व करना है। जैसे भी उन्होंने करवाया है आप उनके तरीके को समझना है, उन्होंने शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको करवाया हुआ है, और आप उन्हें स्टार्ट करें और जैसा वो समझा रहे हैं वैसे उस टेक्निक से आप उसको समझने की कोशिश करें। अगर आपको कोई तरीका आता है तो आप अपने तरीके को उस तरीके से कंपेयर करें, अगर जो आपको आपका तरीका अगर इजी है और टाइम सेविंग है
तो आप अपने तरीके को फॉलो करें, वरना आप राकेश यादव के तरीके को फॉलो करें। सेकंड काम आपको करना है, डेली का आपको चैप्टर वाइज उसने जितने भी 80-60 जितने भी क्वेश्चन उनकी बुक्स में हैं, आपको वन बाय वन सारे सोल्व करने हैं, और सोल्व भी ऐसे करने हैं कि आपको हर एक सवाल समझ में आना चाहिए कि मुझे उस सवाल के साथ क्या करना है और वो कैसे सोल्व हुआ, और उसी टाइप का अगर दोबारा मिल जाता है तो मुझे उस तरह में गलती नहीं होती है। जब आप इतना काम कर लेते हैं, आप राकेश यादव की पूरी बुक की स्टडी कर लेते हैं, पूरे उसके मेथड सीख लेते हैं, अपने मेथड से उन्हें कंपेयर कर लेते हैं, और आपको ये पता लग जाता है कि हाँ उनका मेथड ऐसा है, मेरा मेथड ऐसा है, उनका टाइम सेव कर रहा है, मेरा ज़्यादा बड़ा है, मैं ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहा हूँ, वो शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, जब आपको ये पता लग जाएगा, जब आप इतना सब कुछ कर लोगे, उसके बाद आपको एक आपका माइंड सेट हो जाएगा कि आपकी स्पीड बन जाएगी, आपका एक कैलकुलेशन में एक अलग एक नई चीज आ जाएगी कि मुझे शॉर्ट ट्रिक्स से उसे कैसे करना है, और क्योंकि आपको ट्रेडिशनल मेथड भी पता है और आप शॉर्ट ट्रिक्स को भी फॉलो करने लग गए हैं। अब आप कहोगे कि हमने राकेश यादव की बुक भी हो गई है, आपने किरण का तो बताया ही नहीं, अब हम आते हैं किरण की बुक के ऊपर। अब किरण की बुक के अंदर क्या है, आपका किरण की बुक के अंदर आपके प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि 1993 में ये आया, 96 में भाई ये आया, 2000 में ये आया, और 2006 में ये आया, 7 में ये आया। उसमें आपको 400, 500, 600 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें कुछ रिपीट भी हैं, उन्हें आप छोड़ दें तो आप अप्रोक्सीमेट मान के चलते हम 300 आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब आपने राकेश यादव बुक से प्रैक्टिस कर ली, शॉर्ट ट्रिक सीख ली, मेथड्स आपने सीख लिए, अब इतना सब कुछ करने के बाद जब आप मेथड सीख लेते हैं, जब आप ट्रिक सीख लेते हैं, या आप उनसे उन सवालों को एक दिमाग के अंदर बनाना सीख लेते हैं, तब आपको किरण की बुक के ऊपर आना है, और किरण की बुक से टॉपिक वाइज जो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, उन सबको सॉल्व करना है, वो भी शॉर्ट ट्रिक मेथड से, राकेश यादव के मेथड से, या जो मेथड आपको आता है उस मेथड से, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ एक सवाल के लिए 30 सेकंड मिलेंगे, और 30 सेकंड के अंदर आप ट्रेडिशनल मेथड को यूज नहीं कर सकते। सेकंड, आप किरण के साथ साथ, आप किरण कर रहे हैं, आप कहते हो, कुछ लोगों का ये कहना है कि सर हमारे पास किरण नहीं है, लेकिन हमारे पास आरएस अग्रवाल है, हमारे पास पैरामाउंट की बुक है, हमारे पास केडी कैंपस की बुक है, क्या हम किरण भी खरीदे, क्या हम आपका दूसरी वाली बुक भी खरीदे, कोई और बुक भी खरीदे, तो देखो मैं आपको कहना चाहूंगा, बुक्स कितनी भी आप परचेज कर लीजिए, जब तक आप अपना कोई भी एक माइंड सेट नहीं रखेंगे, जब तक आपके अंदर एक सवाल को समझने की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप कोई भी एक बुक को फॉलो कीजिए, राकेश यादव कीजिए, या फिर आप आरएस अग्रवाल पढ़ रहे हैं तो वो पढ़िए, लेकिन उसको समझिए, उसमें ट्रिक्स को समझिए, उसने कैसे सोल्व किया है। और शॉर्ट ट्रिक्स को ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी आया और उसने कह दिया ये शॉर्ट ट्रिक्स है तो आप इसे फॉलो कीजिए, आप ट्रेडिशनल मेथड यूज कीजिए। अगर आपको सीखना है कि ट्रेडिशनल मेथड से शॉर्ट ट्रिक्स कैसे निकल के आती हैं, तो आप हमारे चैनल फंड लर्न बाय अनुज को फॉलो करते रहिए, उसके अंदर हम आपको हमेशा सिखाते हैं और वीडियो में बताते हैं कि पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, फिर उसी की शॉर्ट ट्रिक्स आपको बना के दिखाते हैं कि वो शॉर्ट ट्रिक्स से कैसे हो सकता है, तो उससे भी आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। और ये सारे टॉपिक आपके हम भी अपने अपकमिंग वीडियोज में कवर करवाएंगे, आप वहां से भी सीख सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और बेल आइकन आप दबाना ताकि आपको अपडेट कोई आप मिस ना हो। तब बात करते हैं कि आपने आपके पास किरण नहीं है, आरएस अग्रवाल है, केडी कैंपस है, पैरामाउंट की बुक है, तो जरूरी नहीं कि आपके पास वही हो, आप उन बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बार सवालों को करना सीख गए हैं, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है दिमाग के अंदर, आप ये समझ चुके हैं कि उन सवालों को करना कैसे है, और जब आप ये समझ चुके हैं कि आपको करना कैसे है, तो उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, तो आप उसे नेट से भी उठा सकते हैं, आप आरएस अग्रवाल से भी ले सकते हैं, आप किरण से भी ले सकते हैं, आप केडी कैंपस से भी ले सकते हैं, आप पैरामाउंट से भी ले सकते हैं, आप अभिनव मैथ से भी ले सकते हैं, इवन आप किसी छोटे बच्चे की बुक से भी उठा के ले सकते हैं। इस तरह से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, और जब आपकी प्रैक्टिस ये होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिल जाए, आप उसे तुरंत सोल्व कर देंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि किरण की बुक में किस तरह का पैटर्न होता है और राकेश यादव की बुक में किस तरह का पैटर्न होता है।
तो आपको मैंने ये दिखाई है कि राकेश यादव की बुक में कैसे क्या होता है और किरण की बुक में कैसे क्या होता है। अब आपको जितना मैंने बताया है आपको एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है, उससे सीखना है, माइंड सेट करना है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं, जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं, प्रैक्टिस पे कोई रोक नहीं है। आप प्रैक्टिस करते जाइए करते जाइए करते जाइए और कुछ टाइम बाद आप खुद की अपनी एक बुक होंगे कि आपके पास कुछ भी होगा आप उसे सॉल्व कर चुके होंगे चंद सेकंडों के अंदर। इसके साथ ही कैलकुलेशन में आप मल्टीप्लाई को फास्ट कैसे करें ये आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर सिस्टम और डिविजिबिलिटी रूल के साथ आप प्रॉफिट लॉस को कैसे जल्दी से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं छिप चुटकियों के अंदर, ये भी आप हमारी वीडियोज में देख सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो होप सो गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपके डाउट सोल्व हुए हैं तो आप इस वीडियो के लिए एक थम्स अप तो बनता है यार। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अपना आपका अपना चैनल फन लर्न बाय अनुज। तो अब आपको हम अगली वीडियो में ये बताएंगे कि कैलकुलेशंस को फास्ट कैसे करें। बहुत से सवाल मुझसे पूछेंगे हमारी कैलकुलेशन स्लो है, हमें आते तो हैं क्वेश्चंस आते हैं पर कैलकुलेशन की वजह से रह जाती है। तो अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कैसे कर सकते हैं कि आप 10 सेकंड के अंदर किसी भी मल्टीप्लाई डिवाइड आप कैसे स्क्वेयर्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और अगर आपको इनको याद करने के ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए आप अपने सब्सक्राइब कीजिए चैनल फन लर्न बाय अनुज को और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आप ये कोई भी अपडेट आप अपनी मिस ना कर सकें। तो गाइज ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।